क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का छोटा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। कंपनी कहता है कि जनवरी 14 को फनी फैशन लिमिटेड का ऐच्छिक समापन हुआ है। निस्तारक का वो संपत्तियों के बिक्रय पर 3%, अंशधारियों को बांटी जाने वाली राशि पर 2% पारिश्रमिक मिलेगा। निस्तारक ने कंपनी की सभी संपत्तियां बेच दी। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम है 7 लाख, समापन व्यय 12,600 है। व्यापारिक देय 1 माह का वेतन सहित 95,200 है। 7,600% पूर्वाधिकार अंश है 30 रुपये का। 1 वर्ष का लाभांश बाकी है 14,700 अंश है 10 रुपये का। 9 रुपया पेडअप है, ठीक है। सवाल संचय है, संचय से तो कोई मतलब है नहीं हम लोग को यहाँ पे, लाभांश से भी कोई मतलब नहीं होता है समापन में। कंपनी के पार्षद अंतरनियम के अनुसार पूर्वाधिकार अंशधारियों को संतांशों की राशि भुगतान करने के बाद बची हुई राशि में से 1/3 पाने का अधिकार है। कहने का मतलब है यदि सारा रकम हम पेमेंट कर देते हैं, पूर्वाधिकार अंश को भी पेमेंट करते हैं, संतांश को भी पेमेंट कर देते हैं, यदि उसके बाद भी कुछ राशि बच जाती है तो पूर्वाधिकार अंश को बची हुई राशि में से 1/3 पाने का अधिकार है, ठीक है ना। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ओ ये तो अकाउंट तैयार करना है ना, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो क्या सब हुआ है, एसेट्स रियलाइज 7 लाख, ठीक है। और लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 3% ऑफ 7 लाख, संपत्ति की बिक्री से 3%, ये होता है 7×21,000। 2% उस राशि पर मिलेगा जो किसको मिलेगा, अंशधारियों को मिलेगा। तो अभी कितना मिलेगा हमको तो पता ही नहीं है, पहले सारा खर्चा करते हैं फिर देखते हैं कितना रुपया बचता है हमारे पास। इस कॉलम को फिर हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ है। लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ है कितना, 12,600 है। प्रीफेंटियल क्रेडिटर्स है, प्रीफेंटियल क्रेडिटर्स 1 माह का वेतन है 8,400। कुल लेनदार है 95,200, जिसमें से 1 माह का वेतन कितना है 8,400 है, जो बच के वो अनसिक्योर कहलाएगा, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। जो बच गया 95,200 में से माइनस कर दो 8,400, तो ये होता है 86,800। और तो बाहरी कोई खर्चा है नहीं। अब आइए देखते हैं कितना रुपया बचता है हमारे पास। ये देखो कुल रकम है मेरे पास 7 लाख, कितना है 7 लाख। 7 लाख में से खर्चा क्या सब हुआ है वो देखते हैं। खर्चा हुआ है 21,000, 3% कमीशन हो गया, 12,600 लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, 8,400 सैलरी हो गया, और 86,800 प्रीफेंटियल क्रेडिटर्स हो गया। सबको जोड़ दो कितना होता है, तो 6×4=10, 18 हासिल 1, 2, 4, 8, 12, 6, 18, 1, 2, 3, 1, 4, 8, 12, 1,28,800। तो कुल खर्चा हुआ है 1,28,800, 7 लाख में से 1,28,800 माइनस कर दो, 8, 2, 10 हासिल 1, 8, 9, 10 हासिल 1, 2, 3, 7, 10 हासिल 2, 5। अब रुपया बचता है, मतलब कुल रकम 7 लाख है, इसमें से अभी तक सारा खर्चा हुआ 1,28,800, तो पेमेंट कर दिए हम, तो रुपया बचता है 5,71,200।
जो 5,71,200 आप देख रहे हैं ना, ये किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा अंशधारियों को। अब प्रश्न कहता है कि जो रकम अंशधारियों को मिलेगा उस रकम पर 2% कमीशन किसको देना है? आपको निस्तारक को देना है। इसका 2% निकाल लेंगे हम, 2/100+2। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हुए हैं, यदि किसी राशि में कुछ राशि मिला हुआ रहे, क्योंकि इसी राशि यही राशि मिलेगा अंशधारी को और इसी में से कमीशन भी देना है आपको निस्तारक को, जो दोनों एक दूसरे में मिला हुआ है 5,71,200 में से। तो ऐसे में यदि किसी इसमें से कुछ निकालना हो, निकालने का फॉर्मूला ही होता है कि इंटू रेट बटे 100+ रेट, 2 से 51 हो गया, भागा लगा दो, ये हो जाएगा 11,200। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब आ जाएंगे, ये 5,71,200 11,200। अब रकम कितना बच गया? अगर रकम बच गया मेरे पास, इसको इसमें माइनस कर देंगे हम, 5,71,200 में से 5,71,200 में से माइनस करेंगे 11,200, ये होता है 5,60,000। कितना होता है 5,60,000? ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा शेयर होल्डर को। अब पेमेंट करेंगे शेयर, कुल शेयर कितना है मेरे पास वो भी देख ही लेते हैं। मेरे पास कुल शेयर है, एक मिनट, कुल शेयर है 2,10,000 जो है ना, 2,10,000 पूर्वाधिकार अंश है, तो इसको माइनस कर दो, ये हो गया 3,50,000। 1,26,000 जो है क्षमता अंश है, इसको भी माइनस कर दो, ठीक है, 1,26,000 क्षमता अंश है, इसको भी माइनस कर दो। तो अब रुपया बचता है आपके पास 6,4,10,2,1,3,2,5,1,2,3,2,24,000। और पूर्वाधिकार अंश का लाभांश है 12,600, ये भी इसको माइनस कर दो, 12,600। अब रुपया बचता है 6,4,12,6,4,10,2,1,3,1,4,1,1,2,2,11,400। अब प्रश्न कहता है, मतलब यदि हम समता अंश को ही पेमेंट करते हैं, पूर्वाधिकार अंश को ही पेमेंट करते हैं, फिर भी रुपया बचता है मेरे पास 2,11,400। तो प्रश्न कहता है कि आधी की मैसेज, ये रकम तो बच गया मेरे पास पूरा पूरा, इसमें से और किसी को कुछ देना है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो अधिक रकम बच जाता है आपके पास, इस अधिक में से 1/3 भाग जो है पूर्वाधिकार अंश को लेने का अधिकार है, तो गुणा 1/3 कर लो, 3×7=21, 1 आया 0, 3×4=12, ठीक है, फिर 2 आया, 3×6=18, फिर 3×6=18, ये चलता रहेगा, 70,466 है, तो अप्रोक्स लेके 67 कर देंगे हम। ये किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा पूर्वाधिकार अंश को, और 2,11,400 में जिसको माइनस कर दो, जो बच गया सरप्लस में से, वो किसको मिलेगा? 1,40,933, ये मिलेगा समता अंश वाले को। ये कौन सा रकम है? ये सरप्लस है, अधिक रकम है, ठीक है ना। आइए अब इसी को हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। ये गुना भाग समझ में आ गया होगा तो दिक्कत नहीं होगी, यदि नहीं आया होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। यदि आपको दिक्कत हो तो आप में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आइए अब पेमेंट करना है आपको प्रिफ्रेंस शेयर वाले को, तो प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर कितना है? तो प्रिफ्रेंस शेयर है 1,26,000, ठीक है ना। प्रिफ्रेंस शेयर है, सॉरी, 2,10,000 है, 2,10,000 है, 2,10,000। और प्रिफ्रेंस का डिविडेंड कितना है? डिविडेंड ये है 12,600, 6%, इसका 6% निकालो, इतना हो जाएगा, 6×6=12,600 हो गया। इसके बाद जो सरप्लस है वो इक्विटी शेयर को ही पेमेंट करो सबसे पहले। अब इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर 1,26,000। अब जो रुपया बच गया आपके पास, उसको बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस टू प्रिफ्रेंस शेयर, प्रिफ्रेंस शेयर ये कितना मिलेगा? हम निकाल दिए गुनाहा करके, 70,467। और फिर इक्विटी शेयर को कितना मिलेगा? इक्विटी शेयर वाले को, इक्विटी शेयर को मिलेगा 1,40,000, 1,40,933। बस और तो कुछ है नहीं, सबको जोड़ लो, यहाँ भी 7,00,000, यहाँ भी 7,00,000। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।